मैं जिंदा आ गया, धन्यवाद करना पंजाब का। हमारे 720 भाई गए, उनको भी लिया ना जिंदा। डेड प्लस सुरक्षा आपके साथ है, कौन रोक सकता आपको? आ गया वहां पे 70,000 कुर्सी लगा दी, आदमी कितने 700। फिर बनाइए फिल्म ड्रामा, कर दिए 10-20 बीजेपी के अंधभगत खड़े कर दिए रोड के ऊपर, उनको खड़ा करके और फिर बोलवा रहे रास्ता रोक दिया। सन्नी के एक रगर हम 70,000 कुर्सी का लो, 700 आदमी आऊंगे, सन्नी जाकर बैठेगा उड़े। एक नंबर का जवाब दिया पंजाब की जनता ने, इतिहास रच दिया पंजाब की जनता ने, दिल से सलूट उनको। पंजाब में लागू करो राष्ट्रपति शासन, लागू करो पंजाब के अंदर। हरियाणा साथ था, हरियाणा साथ और हरियाणा साथ रहेगा पंजाब की जनता के। पुलवामा का इतना बड़ा अटैक हुआ, सैकड़ों जवान शहीद हो गए, किसकी क्यों नहीं ली जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की थी, क्यों नहीं ली जिम्मेवारी ये बताओ। 13 महीने तक बैठे रहे थे, 13 मिनट नहीं रुका गया आपसे, 13 मिनट में ड्रामा करके चल दिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होता है। आज ऐसी 150 करोड़ रुपया लगा के अंबेडकर साहब का म्यूजियम इतने तैयार कर रहे हैं, ताकि मेरे पंजाब दे, देश दे, दुनिया के लोग आके देखण ते उस तो सीखण। जब असी अंबेडकर साहब वालू देखते हैं तो सानू ये सोच मिलती है जिहड़ा उन्होंने कहा कि पढ़ो जोड़ो तो संघर्ष करो, किस तरह एकता अते अखंडता देश दी नू कायम रखना है, किस तरह असी अपने देश नू मूहरे रख के देश के झंडे को बुलंद करना है, वो असी इस म्यूजियम विचों आके देखांगे ते सिखांगे ते अगे बढ़ांगे। जदों असी इहनू बनाउण लगे सोचण लगे क्या मैं क्या यार इहनू इस तरह का बनना कि दूर तो पता लगे कि ये हिंदुस्तान का निशान है, एक ये हिंदुस्तान इहदे विच झलकदा होवे एक विजन दे नाल, एक सोच दे नाल, अगां वधू सोच दे नाल पंजाब नू अगे लेके जाणा है। डॉक्टर अंबेडकर दी याद नू समर्पित पंजाब सरकार ने बनाया बाबा साहिब दा म्यूजियम, जो आने वाली पीढ़ियां लई एक चानण मुनारा बनेगा। ये म्यूजियम पूरे देश लई एक खिच दा केंद्र बन रहा है, जिथे बाबा साहिब दे जीवन नाल संबंधित चीज़ां नू जानण दा मौका मिलेगा, जिन्हां ने हमेशा हक सच ते पहरा दिता ते देश दी नींव नू मजबूत कीता। कल शाम से आज पूरे दिन से देख रहे हैं, पूरी मतलब स्क्रिप्ट बना के पूरी पिक्चर चलाई जा रही है, पूरी फिल्म चलाई जा रही है, लोगों को ही मतलब ऐसा बनाया जा रहा है कि सच में ऐसा कुछ होया है जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ होगा। सब यही चल रहा है, सबको पता है, कैसा हो सकता है हमारे ही देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहीं आने जाने से कोई रोक सकता है, ऐसा लगता है सभी को। चलो मानते हैं अंधभगत हैं जो ये गोबर खाने वाले हैं, इनको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को रोक दिया गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए जब देश का प्रधानमंत्री देश में कहीं पर भी चलता है ना तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है उसकी, उस चीज़ों का सबको पता है, ये चीज़ कहने की जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री साहब शायद आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो या आप याद नहीं रखना चाहते, ऐसा ही कुछ लग रहा है। आप जिनसे मिलने के लिए इतनी दूर से उठ के प्रचार प्रसार जो करने आए थे वो 13 महीने तक आपके दरवाजे पे बैठे रहे थे, आपने मिलने की नहीं सोची। दलाल साहब राम राम, आपने नहीं सोचा कि उनसे मिलना है 13 महीने तक, आपने तो उनके रास्ते में किले गढ़वाई थी, इतना कुछ करवाया था, वो फिर भी पहुंचे आपके दरवाजे तक और आपका तो स्वागत कर रहे थे सभी। आपको आना हेलीकॉप्टर से है तो आप बाई रोड किस लिए आ रहे थे, फिर आपकी सुरक्षा में चूक हो गई। चलो सुरक्षा में चूक से याद आया, 2009 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे हैदराबाद, ओ गुजरात में गए थे, गुजरात में उनके ऊपर जूता फेंका गया था, उस टाइम पर आप मुख्यमंत्री थे, आपको इस्तीफा देना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जब जूता फेंका गया तो आपको भी ये चीज समझनी चाहिए थी या नहीं, वो किसकी चूक थी बता सकते हो? अभी आपको भी याद आना चाहिए देश के कितने जवान पुलवामा के अंदर शहीद हो गए थे, वो सुरक्षा में चूक कहां से हुई, उस चूक का जिम्मेवार कौन है बता सकते हो?
या फिर आपको सिर्फ ये सुरक्षा की चूक और ये चीजें दिखा के आप साबित क्या करना चाहते हो? कौन सी सुरक्षा में चूक हुई है? देश सेना तक लगा दी थी आपने, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। चक्कर ये था 70,000 कुर्सियां लगा रखी थी, आदमी 700 आए, उनके पास मैसेज पहुंच गया। पल पल की खबर आपके पास पहुंचती रहती है। आदमी 700 आए, आपको आना नहीं था, ड्रामा कर दिया आपने। कुछ लोग आप रोड से आ रहे हो, कुछ लोगों ने आपका रास्ता रोक दिया कुछ लोगों ने आपका रास्ता। लेकिन आपको, आप स्क्रिप्ट लिखते हो, कोई फिल्म बनाते हो ना, तो उस फिल्म में ना अपने जो कलाकार है ना, कलाकार उनको अच्छे तरीके से समझाया करो। वो आपके कलाकार चूक कर गए, वो आपका विरोध कर रहे थे, लेकिन साथ में बीजेपी का झंडा ले रहे थे। किसके आदमी थे वो? बिल्कुल मतलब पूरी जनता का, सबका वो कर रखे, आप फलाना इस्तीफा दो दकड़ा। आपको तो इस्तीफा नहीं, आपको तो पता नहीं क्या क्या देना चाहिए। आपका ही डायलॉग था चुराहे पे खड़ा करके जूते मारना, अगर कुछ हो जाता है तो क्या किया जाए आपके साथ? कभी समझा इस चीज के बारे में? लग गए पता। एक हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब खट्टर जी श्रीमान जी बोल रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सुरक्षा में चूक। आपका भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था हरियाणा में ही, वो चूक किसकी थी? फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्या देना चाहिए? आपको तो छोड़ ही देना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ख्याल रखो, सुप्रीम कोर्ट से क्या लवाया जा रहा है? एक नंबर का जवाब दिया पंजाब की जनता ने, इतिहास रच दिया पंजाब की जनता ने। दिल से सलूट उनको। पता लगा किस लिए हम बोल रहे थे बड़ा भाई है पंजाब? फिर तुम एक नए नए ड्रामे निकाल कर लाते हो, चंडीगढ़ दे दूंगा पंजाब को SYL का पानी। अपने घर ले जाओ उस पानी को, अपने घर ले जाओ चंडीगढ़ को उठा के, हमारे को जरूरत नहीं ऐसी राजधानी हो। क्या करे उस चंडीगढ़ का, जिस चंडीगढ़ के अंदर आपके जो अधिकारी बैठे हुए हो, ये बोलते अगर चंडीगढ़ में आ गए तो गोली मार देंगे, ये धमकिया देते हैं आपके चंडीगढ़ के अधिकारी, वो बैठा रखे आपने अपने अंध भगते। बहुत अच्छा, हमारे को भी लग रहा था कि चंडीगढ़ आए पंजाब वाले भाई क्यों नहीं पहुंचे। पंजाब वाले भाइयों ने एक नंबर की रणनीति बनाई, शिक्षा लो उनसे, कोई शिक्षा लो, हरियाणा उत्तर प्रदेश सभी सीख लो पंजाब से कि एक फेंकू को फेंकने का रास्ता नहीं देना है। फेंकने दो उसको, टीवी में जितना फेंकता रहेगा ये टीवी में फेंकता रहेगा, अंधभगत लपेटते रहेंगे। वैसे भी इसकी तो आदत है टीवी में आना, इसको टीवी में प्रचार प्रसार करना है, और तो कहीं है ही नहीं इसके पास रास्ता। कमाल कर दिया यार पंजाब वालों ने, वैसे ही इतिहास रच दिया। सही में बड़ा भाई है, हमारे को नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे को चंडीगढ़ SYL कुछ भी नहीं चाहिए, संयुक्त पंजाब एक कर दो। अब तभी पता चलेगा जो पंजाब हरियाणा की एकता जो बनी है ना, बड़ा दर्द हुआ, बड़ी तकलीफ हुई लोगों को, वापिस संयुक्त पंजाब एक करो। जिस संयुक्त पंजाब में शामिल है हरियाणा, शामिल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तुम्हारे को उत्तर प्रदेश में सीटें चाहिए और तुम कट करना चाहते हो पंजाब की जनता को। अब ये चलाएंगे, राष्ट्रपति शासन भी लागू करेंगे पंजाब के अंदर, सब कुछ करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन पंजाब की जनता, ये कोई नहीं शासन प्रशासन, ये सब बिका हुआ है, हर चीज बिकी हुई है, हर चीज। देश का मजाक बना के रख दिया, ऐसा मदारी बिठाया है, डुगडुगी बजाता रहता है, गोदी मीडिया प्रचार करती रहती है और उस प्रचार में सब कुछ लगा रहता है। क्यों? वहां पर बोल दो अभी भी दाढ़ी वाले थे, 600-600 रुपए की दाढ़ी वाले थे जिन्होंने आपका विरोध किया है, बोलो ना एक बार, बोलो उस जनता को कुछ। क्या प्लान बनाया? SSP को सस्पेंड कर दिया फिरोजपुर वाले को, क्यों? SSP की क्या गलती है ये बताओ ना। आपके साथ तो इतने कमांडो जेड प्लस सुरक्षा, आपको सुरक्षा दे रखी है, जेड प्लस सुरक्षा आपके साथ है, कौन रोक सकता आपको? आपके जो करे हुए कर्म है ना, जो आपने कारनामे कर रखे 7 साल में, इन पापों का घड़ा भर के फूट चुका है, उन पापों का पूरा घड़ा भर चुका है। अब पंजाब की जनता एक नंबर का स्वागत करती है, एक बार जाओ ना, पता लगेगा वहां पे, पता लगेगा। ले जाओ प्रचार मंत्री, दोबारा बुलाओ भाई, अभी बारिश चल रही, बारिश के बाद फिर बुलाओ इस देश के प्रधानमंत्री को, दोबारा बुलाओ पंजाब के अंदर। आ गया वहां पे, 70,000 कुर्सी लगा दी, आदमी कितने 700, फिर बनाई एक फिल्म, ड्रामा कंपनी तो है खुद ही, नौटंकी बाद इसके पास ड्रामा कंपनियों की कमी है क्या? वो ड्रामा कंपनी खड़ी कर दी वहां पे, क्या किया उस ड्रामा कंपनी ने? पंजाब में लागू करो राष्ट्रपति शासन, लागू करो पंजाब के अंदर। हरियाणा साथ था, हरियाणा साथ और हरियाणा साथ रहेगा पंजाब की जनता के। और आओ दोबारा, फिर आओ पंजाब में, इसको फिर बुलाओ चुनाव के बाद, फिर बुलाना पंजाब में। चल दिया प्रचार करने के लिए, पद की गरिमा का ध्यान रखो। कौन सी पद की गरिमा रख रहा है? पद की गरिमा का ध्यान, 2009 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं था क्या? उसके ऊपर जूता फेंका गया, किसकी सुरक्षा में चूक थी? पुलवामा का इतना बड़ा अटैक हुआ, सैकड़ों जवान शहीद हो गए, किसकी क्यों नहीं ली जिम्मेवारी? जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की थी, क्यों नहीं ली जिम्मेवारी ये बताओ? गलवान घाटी में जो अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद, उसकी जिम्मेवारी लो। कालूचक में जो हुआ था ना,
तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। इतने जवान शहीद हुए थे, वो भी तुम्हारी जिम्मेवारी है, क्यों नहीं ले रहे उस जिम्मेवारी को? आगे चिल्लाने लगे पंजाब में ये हो गया पंजाब के साथ। अभी तुम पंजाब के लिए फिल्म लिखोगे, ध्यान रखना पंजाब के साथ हर स्टेट खड़ा है, हर स्टेट पंजाब के साथ खड़ा है, हर एक स्टेट पंजाब के साथ खड़ा है। अंकुश कुछ नहीं है, ये गोबर भगत है, ये तिल मिला रहे हैं, ये नाली के कीड़े तिल मिला रहे हैं, अभी तिल मिला रहे हैं। इनके बाप को प्रसाद दे दिया ना, कराओ इंटरनेशनल बेइज्जतियां। एक गरिमापूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन एक मदारी को बैठाओगे ना तो ऐसे ही बेइज्जती होगी उस पद की। सोच समझ के बिठाया जाता है उस पद के ऊपर इंसान को। यह नहीं कि एक मदारी आया डुगडुगी बजाने वाला और उसको बिठा दिया वहां पे, उसको बिठा दिया उस पद के ऊपर, वो तो डुगडुगी बजाएगा, उससे ज्यादा उसको कुछ आता ही नहीं। आता क्या है उसको बताना? एक बार कहीं पर खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने? कभी कभी की है क्या? अगर इनसे मिलने के लिए दिल्ली गए थे, एक दो नहीं लाखों किसान मजदूर मिलने के लिए गए थे, तब कहां थे प्रधानमंत्री जी? रास्ते में किले बिछवा दिए, खड्डे खुदवा दिए, ये तो फिर भी गए, ये फिर भी चले गए और 13 महीने तक बैठे रहे थे। 13 मिनट नहीं रुका गया आपसे? 13 मिनट में ड्रामा करके चल दिए। नौटंकीबाज, इससे ज्यादा नौटंकी तुम्हारे को आती है क्या? आती इससे ज्यादा नौटंकी? जिसको हिंदुस्तान में डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाओ, डायलॉग था। फिर क्या, कब का वीजा है रे? बताना अपने प्रधानमंत्री साहब कब वीजा लगवा रहे हैं अपना, क्योंकि हिंदुस्तान में तो उनकी जान को खतरा है, जान को खतरा है। अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे हिंदुस्तान को? छोड़ तो देना चाहिए। कर दिए 10-20 बीजेपी के अंध भगत खड़े कर दिए रोड के ऊपर, उनको खड़ा करके और फिर बोलवा रहे रास्ता रोक दिया, रास्ता रोक दिया। वो बीजेपी के झंडे तो उनके हाथ से छुड़वा देते, वो झंडे आ गए फोटो में झंडे, किसान है ये रास्ता रोक रहे हैं। किसान तो फिर भी स्वागत कर रहे थे, आ तो सही, एक बार बीच में तो आ, 13 महीने तेरे वहां पर बैठे रहे, तूने दर्शन ही नहीं दिए, अब तेरे दर्शन तो हो जाएंगे कम से कम, दोबारा फिर बुलाओ भाई इसको। SPG लगा रखी है, IB लगा रखी है, रो लगा रखी, सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी के अंडर में आता, फिर जान को खतरा। कमाल है, आम नागरिक कहां पे जाएंगे? हम तो हर जगह घूम रहे, हमारी जान को तो कोई खतरा नहीं। इनकी जान को बड़ा जल्दी खतरा, खतरा कब होता है इनकी जान को? जैसे ही इलेक्शन आता है इनकी जान को खतरा हो जाता है, इलेक्शन आते ही तुम्हारी जान को खतरा। इलेक्शन आया नहीं, जान को खतरा। कभी तुम्हारा धर्म खतरे में, कभी तुम खतरे में, कभी तुम्हारा यो लिंडी हरते सम्राट खतरे में, कितना बचाओगे इसको? ये तो 24 घंटे खतरे में ही रहता है, ये खतरे से बाहर नहीं निकल सकता। तुम कितना ही जोर लगाओ ये कभी खतरे से बाहर आएगा ही नहीं, आदत पड़ी है इसको, तो चुनाव आते ही खतरे में पड़ जाता है, बाकी समय पर जहाजों में घूमता रहता है, सुरक्षा में चूक, अस्तीफा दे वो चन्नी, चन्नी के पास चला गए, चन्नी के एक रजब थम 70,000 कुर्सी का लो, 7-7 आदमी आओगे, चन्नी जाके बैठेगा उड़े, चन्नी ने नहीं बेरा भाई, तुम ये जो आम जनता है तू इसका CM है, तू PM का CM नहीं है। इन्हें कहो तो PM के CM चाहिए। सरकार के बारे में ये हो गया, ओहो पूरी सरकार का नाम मोदी, पूरे लोकतंत्र का नाम मोदी, कानूनों का नाम मोदी, क्यों? फोटो लगा लिया करो माथे में, पता तो लग जाए तुम्हारा तो मंद भगत हो। अपने पापा का फोटो लगाया करो माथे में, फोटो लगा कर घूमना, फोटो लगा कर घूमो अपने पापा का, आएगा फलाना ही आएगा, बुला लो, आ जाओ पंजाब, बुलाओ स्वागत, हम भी चलेंगे पंजाब में स्वागत करने के लिए, फिर आओ दोबारा, आओ आओ दोबारा स्वागत। गए हैं चुनाव में प्रचार करने के लिए। यूपी वाले साथियों से एक रिक्वेस्ट है, जो पंजाब की जनता ने किया, यूपी की जनता जागरूक हो जाओ, अभी अब यूपी की बारी है, जागरूक हो जाओ, नहीं तो ना ये अभी धर्म का, धर्मवाद जातिवाद ये खेल चलेगा अब इनका, इनको इनके पास और कुछ नहीं है, जहां जहां दंगे वहां वहां इनके हर हर गंगे, ये दंगे करवाएंगे अब खाली दंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करवा सकते, ये दंगे करवाएंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करवाएंगे, लेकिन और बाकी स्टेटों की जनता जागरूक हो जाना और पंजाब की जनता के साथ खड़े हो जाना, ये ध्यान रखना। पंजाब की जनता ने धरा वो 22 जत्थेबंदी जो चुनाव लड़ रही उनको भी भगा दिया, वो उनको भी नहीं मान रहे, ऐसा ही स्वागत करते हैं वो नेताओं का।
मैं जिंदा आ गया, धन्यवाद करना पंजाब का। हमारे 720 भाई गए, उनको भी लिया ना जिंदा। तू कौन से जादू से जिंदा आया है, उनको भी जिंदा भी भेज दे हमारे पास वापिस। वो 720 घरों के चिराग उजड़ गए, उनको भेज सकते हो जिंदा वापिस। कुछ भी नहीं भूला गया है, कुछ भी ना। पंजाब की जनता भूल रही, ना हरियाणा की जनता भूल रही, ना यूपी की जनता भूल रही, ना राजस्थान की, कुछ ही स्टेट की जनता कुछ नहीं भूली है। हर एक बात याद है, जो तुम चुनाव के लिए हमारे भाइयों को मरवाते हो ना, वो हर एक बात याद है। याद नहीं भी होगा तो बार बार याद दिलाते रहेंगे, बार बार याद दिलाते रहेंगे। 720 भाई गए थे हमारे, तेरे को अकेले को अलग से फिल्म चाहिए क्या? इसको अलग से चाहिए अकेले को फिल्म है।